होली त्योहार अपने आप में एक पूर्ण त्योहार है, जिसमें लोक संस्कृति के साथ साथ हिंदू धर्म अनुसरण की झलक मिलती है तथा अपनी पौराणिक कथाओं के साथ साथ जीवन जीने की सही पद्धति मिलती है। और होली त्योहार, इसे जुड़ा हुआ होली धमार और चौताल हमारे लोक संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। आज भी घरों में, मंदिरों में, बैठकाओं में होली त्योहार का चौताल और धमार धूमधाम से गाया जाता है, हर्ष के साथ। होली त्योहार से 40 दिन पूर्व वसंत पंचमी से शुरू होता है होली चौताल और धमार। घरों में, बैठकाओं में हर्ष और उल्लास के साथ, खासतौर पे बच्चे लोग इसको देखने के लिए और भाग लेने के लिए इसमें बहुत ही पसंद करते हैं। आज के कार्यक्रम का विषय है होली त्योहार और उसका चौताल और धमार। होली त्योहार की शुरुआत तथा उसकी तैयारी 40 दिन पहले आरंभ हो जाती है। वसंत पंचमी के अवसर पर माँ सरस्वती की पूजा करने के बाद चौताल में बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों अर्थात ढोलक, झाल इत्यादि की पूजा भी होती है। फिर इन सब वाद्य यंत्रों को एक साथ बजाया जाता है, इसको ताल ठोंकाए कहा जाता है। उसके बाद होली चौताल और धमाल गाया जाता है, वातावरण होलीमय हो जाता है। होली चौताल और धमाल में हम गीत गाते हैं और अलग अलग प्रकार के, अलग अलग जौ के, अलग अलग ढंग के हम गीत गाते हैं। विषय वही है होली त्योहार। कभी हम राम का नाम लेते हैं, तो कभी हम कृष्ण का नाम लेते हैं, तो कभी हम महादेव का नाम लेते हैं, अलग अलग देवी देवताओं का नाम लेते हैं और कितने हर्ष उल्लास के साथ, प्रसन्नता के साथ हम होली चौताल गाते हैं। इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में आए हैं श्री अजय अबना जी। आप इंडियन फोल्क म्यूजिक एकेडमी के वाइस प्रेसिडेंट हैं और लोक गायक भी है, लोक भोजपुरी लोक गायक भी है और तुलसीकृत हनुमान मंदिर से जुड़े हुए। अगर हम बात करेंगे होली चौताल और धमाल, इसमें अलग देवी देवताओं के उसका वर्णन होता है, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, होली को लेकर के, एक तो आपने कहा उल्लास और खुशी का वो त्यौहार है, तो मान लीजिए अगर हमने प्रसंग ली कि राम अवतार, प्रभु राम अवतरित हुए
कैसे कहते हैं चौताल भी है कि श्री राम लिए अवतार सुरन हर्षा, हमारे देवता देवी भी हर्ष और खुशी मना रहे हैं कि प्रभु अवतरित हुए हैं। और प्रभु अवतरित हुए हैं, वो जो दुष्ट है, वो जो अधर्मी है, उनके ऊपर हावी होने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। तो ये खुशी का मौका पूरे समाज के लिए है और वो समाज चौताल और धमाल के माध्यम से अपने खुशी को वो प्रकट करता है। जब से हमारे पूर्वज भारत से बरसत आए तब से लेकर आज तक हम होली चौतार और धमाल गाते हैं। आपने बहुत सारे सालों, मतलब आप अनुभवी हैं, कई पीढ़ियों को आपने देखा है, पहले के जमाने में होली चौताल और धमाल कैसे गाया जाता? देखिए, एक तो वसंत पंचमी से सरस्वती माता को पूज करके फिर वहाँ से तैयारी, तो 40 दिन तक तैयारी और मंडली लोग आते थे बैठकाओं में। तब तो मंदिर कम थे, पहले की बात कह रहा हूँ, तो बैठका ज़्यादा थे, तो वहाँ पर सब सदस्य आते थे और परिवार सहित फिर वहाँ कैसे हम कहते हैं वहाँ पर गाया जाता था चौताल और धमार, और अपने जो ढोलक है, झाल है, सबको इकट्ठा करके पूज करके फिर तैयारी करते थे कि जब समत हो तब गाएंगे, जुलूस निकलेगी। समत का मतलब? समत यानी कि वो रात्रि होली से पहले, जबकि हम होलिका दहन मनाते हैं और वो भी बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत और भक्त की रक्षा, भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह भगवान आए थे और कितना भी यातनाएं हुई लेकिन तो भी किसी ने बाल बांका नहीं कर पाया प्रहलाद जी का, उसको भी मनाते हैं। तो होलिका का दहन होता है, ये सिंबोलिकल है। तो हर एक घर से लोग आते हैं, पत्ते लाएंगे और सामग्री लाएंगे, फिर बड़ा सा ये बनाएंगे वो होलिका को और वो उसको जलाएंगे और होली गीत गाएंगे, प्रसाद का वितरण होगा, रंग से पहले ही भी लोग खेल लेते हैं। तो इस तरह से ये एक तो होलिका दहन होली से पूर्व रात्रि में, फिर होली में रंगों का खेल होता है, वही खुशी की वो प्रदर्शनी होती है और लोगों का मिलना, भूल जाना कि क्या अनबन पहले से हुआ था, मन मुटाव जो था वो सब भूल जाइए, एक रंग में सभी लोग रंग जाते हैं, मुंह मीठा करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। एक तरह से समाज में एकता लाने का एक खास त्योहार है होली। बिल्कुल बिल्कुल, एक तो सभी लोग साथ में जब आ गए तो एकता का प्रतीक है, एक बार साथ में आ गए तो फिर कल क्यों नहीं आएंगे साथ, साथ में चल दिए एक बार, जुलूस में चल गए और खुशी का अनुभव हम लोगों ने किया तो कल क्यों नहीं करेंगे। तो ये लोगों को साथ लाने का, ये हमारे धर्म में हमारे साधु संतों ने ये रचा है कि इस तरह से मनाया जाए, इस तरह से लोगों को साथ में लाया जाए। और जहाँ तक हम जानते हैं कि होली त्योहार जो है होली के दिन के साथ ही समाप्त नहीं होता है, उसके बाद बुधवा मंगर नाम का एक खास अवसर होता है। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा। तो मैं देखिए, एक तो मैंने कहा कैसे अभी भी कहा कि आज मिले और खुशी से मिले, सभी कुछ भूल गए तो एकता जो बन गया उसको फिर एक सप्ताह बाद में फिर मिलेंगे, ये तरह का कंफर्म करने के लिए कि हम आ गए साथ में।
सासन नदिया दुख देती है सौतन करत बरजोरी सासन नदिया दुख देती है सौतन करत बरजोरी सौतन करत बरजोरी सखी रे सौतन करत बरजोरी सौतन करत बरजोरी सखी रे सौतन करत बरजोरी सौतन करत बरजोरी सखी रे सौतन करत बरजोरी सखी रे सौतन करत बरजोरी सौतन करत बरजोरी सखी रे सौतन करत बरजोरी सखी रे सौतन करत बरजोरी हो दुख का मोल परोस मिला मोही मोल परोस मिला मोही दुख का मोल परोस मिला मोही दुख का मोल परोस मिला मोही मोल परोस मिला मोही दुख का मोल परोस मिला मोही दुख का मोल परोस मिला मोही सखी कैसे के पास बसीरी कैसे खेले हो। अगर हम होली चौताल और धमाल के बारे में बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे जरूर जब भी होली चौताल और धमाल गायन हो रहा है तो ग्रुप में ढोलक के साथ झाल और दोनों के बीच में एक बहुत ही सुंदर सिंक्रोनाइजेशन और उसमें ताल महत्वपूर्ण है। अलग अलग ताल पर वे लोग होली चौताल और धमाल गाते हैं। देखिए नाम ही है होली चौताल, तो चौताल क्यों कहते हैं और कितने प्रकार के ताल है जरूर इस विषय पर बात करेंगे। अभी हमारे स्टूडियो में है अनंत कुमार चतु जी, आप मॉरिशस के सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं। नमस्ते। धन्यवाद। होली चौताल, काहे चौताल का सच में चौताल बजावल जला, का चौताल एगो ताल है, एकर बारे में बताओ। चौताल खास में एगो बहुत अच्छा ताल है, मैं 12 मात्रा है। ई पर बहुत अच्छा अच्छा क्लासिकल कंपोजिशन गावेलन सर उस्तादों लोग यूँ भी गावेलन सर महात्मा गांधी संस्थान ने इत है। लेकिन जब बोलब सर होली चौताल के बारे में तो इतलवा बजबे नहीं करेला होली चौ होली में बजेला दादरा कहरवा दीपचंदी जिसे सकब बोले एगो तूने जिसे बोला सर होली चौताल में श्री राम लिए अवतार सुरन हर तारे श्री राम लिए अवतार सुरन हर तारे ई दीपचंदी में बा। अच्छा, अब एक बार में थोड़ा सुना गया के बदली ला श्री राम लिए ई दादरा हो गल। अच्छा, फिर थोड़ा और आगे जाए हो जाए कहरवा श्री राम लिए अवतार सुरन हर तारे श्री राम लिए अवतार सुरनहर सारे
यही उजाला अच्छा। तीनों को ताल बजा दी चौताल नहीं बताऊं जी दीपचंदी दादरा और वो कहरवा तो चौताल नहीं बजावल जला नहीं, नहीं। चौताल एक खास ताल हां ये कब बजावल जला चौताल चौताल हां चौताल ताल चौताल में जाना सीखे के निमन से ओकर 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 शक्ल और ओकर पर बहुत अच्छा अच्छा कैसे बोली कंपोजिशन वाला क्लासिकल कंपोजिशन ट्रेडिशनल उ जाना सीखे जाए के उस्तादों लोग से तब सब उ बैठ के गाए कोसे में या तो अपने अपन खातिर प्रेजिया खातिर आप लोगों को बताएंगे कि भारत में एक तरह का गीत है जिसको हम चौपाल कहते हैं। देखिए चौपाल और चौताल उसको हमने देखा जबलपुर में और बनारस में भी वे लोग गाते हैं अलग अलग धुन में वे लोग गाते हैं चाहे राम का नाम लेके चाहे कृष्ण का नाम लेके लेकिन दोनों के बीच में बहुत ही गहरा संबंध है। चलिए इस वीडियो में साथ में देखिए रहा चौपाल का एक उदाहरण लेकिन हम बात कर रहे हैं चौताल जो मॉरिशस में खासतौर पे होली त्योहार के अवसर पर गाया जाता है और बजाया जाता है। जैसे आनंद जी ने कहा कि तीन प्रकार के ताल इसमें बजाए जाते हैं दादरा कहरवा दीपचंदी और दीपचंदी। लेकिन ग्रुप में हमने देखा कि ढोलक के साथ साथ अन्य इंस्ट्रूमेंट अन्य वाद्य यंत्र भी रहे एकर में बारे में बताओ खास करके मैं इसमें ज़्यादा ढोलक पैकिशों और झाल ये दूगो मजा मेल फीमेल अब उसके बाद में सब मंजीरा डाले कोई लोटा भी बदल डाले वाला कोई कोई एयरफोर्स है तो ये सब डाल दे वाला सर बजा दे साउंड खातिर हाँ मजा जोश आने के मैं हमारे ख्याल से इतना सीफी बातें अब अभी थोड़ा दिन से देखा था थोड़ा बरिश से सभा लोग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कर लेन सर करत होन सर तो ई में देखे थे थोड़ा प्रगति आनत होन सर सितार डालत होन सर बाँसुरी डालत होन सर हारमोनियम भी इसमें ठीक इस्तेमाल करत होन सर तो ठीक बा अच्छा बात है मैं हाउ जोन चिपिकोर ट्रेडिशनल चाहना रखे थे ऐसा भी बा हाउ 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 से मेन से हाउ आना झाल ढोलक मंजीरा हाई हाई ओकर चाला ओकर कैसे बोल सकता छाप हाँ और देखने जा कि ग्रुप में वो लोग गावे लंजा बजावे लंजा तो दुगो ढोलक रहेला हाँ दुगो ढोलक के मतलब है चाला कितना घंटा बजाई की कबो कबो दू दू घंटा बजावे लंजा तो चाला जोशवा चाहला ना हाथ तो कबो कबो लाल हो जाला बजावत बजावत एक जना से कमवा चल जाए मिसल में दू जना रही जैसे जोश
और बढ़ जाला ना। ढोलक के साथ साथ झाल भी रहे, एक प्रकार एक ढंग के एक स्टाइल के वो लोग बजावे लन जाए, एकर बारे में बताओ। तो ये लोग संगे चलन सर ढोलक के रिदम के साथ चलन सर, जैसे रिदम साजे होला बदले ला तो ओकर संगे चलन सर, रिदम खत्म हो जाता खत्म हो के बाद तो ओकर संगे सब रिवोल्यूशन जाने लन सर, वो ऑटोमेटिक में वो लोग आँख मुन के भी तैयारी कर दे, आँख मुन के भी ओकर संगे संगे सर संगत करे। हमने के जो न होली चौताल और धमाल है वे भारत से आए हैं, हमारे पूर्वज इस संस्कृति को लेकर मॉरिशस में लाए हैं और अभी तक हम इसको कायम रख रहे हैं। जब भी होली चौताल होली त्योहार आता है हम 40 दिन पूर्व होली चौताल और धमाल गाते हैं और बजाते हैं, लेकिन भारत में किस तरह से वे लोग गाते हैं आइए इस वीडियो में देखते का बात कर लीजिए होली का त्यौहार के बारे में। जब हम होली का त्यौहार बसंत पंचमी से शुरुआत होगा और फागुन का पूर्णिमा के दिन तक होली चलेगा। होली का त्यौहार में बिहार में चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से देखा जाला कि ये रंग का त्यौहार तो होबे करेला, लेकिन ये रंग का त्यौहार के अलावा भी शाम के समय में लोग सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर लोग भोजपुरी लोकगीतन के गाना गावे लन जा, जिसमें कृष्ण का होली, अवध में राम का होली, ए पर बहुत सारा गीत गावल जाला। ये गीत फगुआ बिहार में फगुआ के नाम से जानल जाला, कहीं चौताल के नाम से जानल जाला। ये गीत जौन बालन से तौन भोजपुरी में अवधि में भी बोलल जाला। एमा रंग का त्यौहार ना होला, एमा प्रेम का त्यौहार होला। एक ये गीत गावे खातिर लोग ढोलक मजीरा झाल का इस्तेमाल करेलन जा और एमा कौनो अतिरिक्त म्यूजिक ना रहेला। होली के दिन लोग जब होलिका दहन हो जाला ओकरा बाद लोग झुंड में इकट्ठा होकर लोग जालन जा, लोग लोग के घरे गीत के गावेलन जा, लोग छोट लोग बड़ लोग आशीर्वाद लेवलन जा, एक दूसरा के गुलाल लगावेलन जा और ये होली का त्यौहार मनावल जाला। होलिका दहन से कुल लोग अपने शरीर में उल्टन लगा के सरसों का मालिश होला, उ मालिश से लोग अपन गंदगी निकाल लेवल जा शरीर का और वह होलिका में जलावल जाला। जवन उल्टन लगावल जाला उसमें हल्दी सरसों और बहुत सारा चीज़ लगावल जाला, मानल जाला कि एक मालिश से शरीर के में बीमारी दूर भागेला। और हम देखेंगे कि होली के दिने लोग पुआ पकवान गुजिया बनावे लन जा और एक बड़ा एक दूसरे के खिलावे लन जा। हमनी का होली जो चाहे मॉरिशस को होली होके जौन में चौताल गाई जाला, चाहे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश को होली होके, ये दोनों होली में हमें तब देखे के मिलेला। अर्घ बिहान देवी का गंधा पुष्पाक्षा करुणा करुमे देव प्रसन्नो भव सर्वदा, प्रसन्नो भव सर्वदा, प्रसन्नो भव सर्वदा। इसी संदेश के साथ समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। आपस में शत्रुता और भेदभाव को भुलाकर मित्रता को बढ़ावा देते हैं, एकता का प्रचार करते हैं। इसी संदेश के साथ आप सभी को हमारी ओर से रंगों का त्योहार होली त्योहार मंगलमय हो।